हेलो फ्रेंड्स, यह है मेरा विंडो गार्डन चैनल। आज मैं आपको चिली प्लांट के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, मैं ये चिली प्लांट खरीद के लाया हूँ। इसकी आप रूट बॉल देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कितने सारे रूट बॉल इसकी बाउंड होके बाहर निकल चुके हैं। इसे और इस छोटे पॉट में रखना ठीक नहीं होगा, ये बड़े पॉट में इसे अभी शिफ्ट करना होगा। ये चिली प्लांट के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी, इसकी रिपोर्टिंग और इसकी केयर के बारे में। ये देखिए, मैं ये पॉट लेके आया हूँ जिसमें मैं इसे बिठाऊंगी और ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही तीखा मिर्ची है, उन लोगों ने गार्डन नर्सरी वालों ने कहा ये बहुत ही तीखा मिर्ची है। बहुत सारे इसकी है और इस छोटे छोटे भी हो चुके हैं जब बड़ा होगा, और इसमें फूल भी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें फूल भी आया है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी रिपोर्टिंग और केयर के बारे में बताऊंगी, स्टे विथ मी। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं सॉइल मिक्सचर बना रही हूँ जिसमें आपको 40% सॉइल, गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% सैंड, 20% कोकोपीट, और ये होगा 10% नीम बार्क, और यह है 10% काउडंग कंपोस्ट, 10% काउडंग और 10% नीम बार्क। अब मैं ज़्यादा उसमें काउडंग नहीं दूंगी क्योंकि गर्मी का सीज़न है, एक बार में ज़्यादा देंगे तो ये जल सकता है रूट्स। तो मैं अब इसे मिक्स कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं मिक्स बना चुका हूँ। अब मैं इसमें देखिए मैं इसमें बजरी दिया हूँ और टूटे पॉट के टुकड़े, अब मैं इसमें मिट्टी दूंगी। ये फ्रेंड्स, ये गर्मी के सीजन में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। अगर आप इसे खरीद के लाएंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करके बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं इसकी रूट थोड़ा इसकी रूट देखिए आप, इसकी पूरा रूट बाहर निकल चुका था, और इसके नीचे में जो छोटा पॉट के टुकड़े थे मैं उसे निकल के अब मैं इसमें इसे बैठा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसकी रूट अलग किया, एकदम ऊपर जाम के बैठ गया था इसलिए। फ्रेंड्स अब देखिए, मैं इसमें मिट्टी दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, इसकी मिट्टी कितना, मैं एकदम भुरभुरा मिट्टी बनाया हूँ, क्योंकि हर पौधे के लिए ही पानी स्टोर रहना अच्छी बात नहीं, मॉइस्ट सॉइल पसंद है लेकिन सॉगी सॉइल नहीं, इसलिए इसकी मिट्टी को बालू मिट्टी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं इसकी एयर पॉकेट ख़त्म कर रहा हूँ इस चिली प्लांट को, अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, देख रहे फ्रेंड्स, तो एकदम एयर पॉकेट ख़त्म करना होगा क्योंकि इसकी रूट बॉल एकदम बाहर आ चुका था। अब ये मिट्टी में जाएगा और पानी जाएगा, और इसमें थोड़ा जो फर्टिलाइज़र मैं दिया हूँ, अभी मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दिया क्योंकि गर्मी का सीज़न है, ज़्यादा काउडंग दूंगी तो काउडंग में बहुत नाइट्रोजन होता है, तो काउडंग कंपोस्ट जो दिया हूँ मैं 10% ही दिया हूँ। ये 15 डेज हो जाएंगे, इसके बाद फिर मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी। तो अभी मैं इसे ऐसे ही बैठा देता हूँ और इसकी
पानी देने से इसकी एयर पॉकेट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा ऐसे ऐसे, और इसे सनलाइट ही बहुत पसंद है। सनलाइट में आप 5 to 6 hours और नहीं मिला तो 3 to 4 hours में भी ये अच्छे ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी रूट को नहीं पूर्ण किया, अब मैं इसे थोड़ा ऐसे ऐसे रखूंगी। अब तो दोपहर हो गया है, मैं इसे अभी सनलाइट में नहीं रखूंगी, शेड में ही रखूंगी। अगर ये अच्छे से इसमें ये हो जाए, सेट हो जाए, 3-4 दिन के बाद मैं इसे सनलाइट में रखूंगी। अब ये धीरे धीरे इसमें सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं और एक चीज़ जो कहना चाहूंगी, इसमें आप देखेंगे इसकी फूल अगर झड़ जाए तो सोच लीजिए कि ये अब ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये नया है, नए प्लांट के लिए अब ज़्यादा सनशाइन, इतना जो गर्मी हुआ है अब तो इसमें ज़्यादा धूप नहीं। मैं अभी इसे सुबह की धूप दूंगी, 15 दिन तक सुबह की धूप दूंगी, 10-11 तक जो ईस्ट में मैं इसे रखूंगी, मेरे किचन में ईस्ट की विंडो में मैं रखूंगी, जो इसे ये सेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो आपको जो फर्टिलाइज़र बाद में दूंगी तो मैं उसकी वीडियो आपको फिर दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा वाला फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तो काउडंग कंपोस्ट दिया हूँ, यही बहुत ही अच्छा है, और थोड़ा नीम बाग दिया हूँ, फंगस नहीं लगेगा और इसे रूट को ज़्यादा आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसे पानी दूंगी, अब देखिए। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अब इसमें पानी दे रहा हूँ। 15 दिन के बाद मैं इसमें जो फर्टिलाइजर दूंगी वो है बोन मील और सुपर फॉस्फेट, इसकी 1-1 चम्मच करके इसमें मैं दे दूंगी। इससे क्या होगा, इसकी ग्रोथ अच्छे रहेगा, ग्रोथ अच्छे रहेगा तो इसमें फूल बर्ड्स भी खिलेंगे, फूल भी आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है 2-4 फूल, इसमें भी है 2-4 फूल, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये बाद में अच्छे से ये ग्रो करेगा। तो अब मैं 15 दिन तक इसमें और फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी, और इसे अगर मॉइस्ट ऊपर से लगे तो नहीं दूंगी पानी, अगर एकदम ड्राई हो जाए फिर मैं इसमें पानी दूंगी। हर रूट्स को ज़्यादा सॉगी सॉइल पसंद नहीं होता, थोड़ा मॉइस्ट रहने चाहिए इस गर्मी के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप भी घर में ऐसे पौधे लगा सकते हैं, ये छोटे विंडो में भी और बैल्कनी में भी आप लगा सकते हैं, जरूरत के समय पर आप इसमें मिर्ची भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे भी लगाइए और आपको गार्डन की शौक पूरा कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।